बिहार की मधुबनी पेंटिंग्स दुनिया भर में मशहूर हैं। फ्रेम्स से बाहर आकर अब ये पेंटिंग्स ट्रेन की बोगियों पर भी दिखाई दे रही हैं। नई दिल्ली से दरभंगा के बीच चलने वाली बिहार संपर्क क्रांति की 9 बोगियों को मधुबनी पेंटिंग्स से सजाया गया है। देखने में ये ट्रेन बेहद ही आकर्षक लग रही है, तस्वीरें आप देख रहे हैं, और उम्मीद है कि मधुबनी पेंटिंग्स के बाद जितनी खूबसूरत ये ट्रेन बाहर से है उतनी ही अंदर से भी खूबसूरत दिखेगी। दरभंगा को दिल्ली से जोड़ती है बिहार संपर्क क्रांति और मधुबनी पेंटिंग्स के साथ इस ट्रेन को सजाया गया है। और देखिए बाहर से कितनी खूबसूरत लग रही है ये ट्रेन, मशहूर मधुबनी पेंटिंग वाली ये ट्रेन। बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस इस वक्त आप देख रहे हैं जो कि दरभंगा से नई दिल्ली अब पहुंची है, और ये खूबसूरत चित्रकारी आपके सामने है। दरभंगा से नई दिल्ली आने वाली ये जो ट्रेन है बिहार संपर्क क्रांति सुपर एक्सप्रेस, ये पहली ऐसी ट्रेन है जिसकी करीबन 9 कोचेस पर मिथिला पेंटिंग की गई है। ये जो ट्रेन पर पेंटिंग की गई है, आपको बताएं कि इसका मकसद जो है वो लुप्त होती कला को वापस से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देना है। और इसके 9 डब्बों पर इस तरह से पेंटिंग की गई है, कलाकृतियां बनाई गई हैं। साथ ही ये जो ट्रेन है ये कल बिहार के दरभंगा से चली थी और दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, और रिपोर्ट्स के अनुसार इसका जो एक डब्बा है उस पर मिथिला कलाकृति बनाने के लिए करीबन 1 लाख का खर्च आया है। और संभव है कि भारतीय रेलवे की तरफ से जल्द ही मिथिला पेंटिंग्स और भी ज़्यादा ट्रेन्स पर देखी जाएं। अगर इस तरह से लोग पसंद करेंगे, इस तरह से कलाकृतियों को आगे बढ़ाने का ये एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।